सेम डे में कैंसिलेशन नहीं होता है सर, सेम डे में कैंसिलेशन नहीं होता ना। मैंने एक घंटे पहले ही आपकी कैंसिलेशन नहीं होता है। मैंने ना एक घंटे पहले ही बुकिंग करी है और एक घंटे के अंदर अंदर ही बोल रहा हूँ कि भाई 12 बजे बुकिंग किया आपने सर। हाँ तो मैं 2 बजे से कॉल कर रहा हूँ आपको, 2 बजे से कॉल कर रहा हूँ। इसी एक बात बताओ मेरे को, हमने आपकी वेबसाइट चेक करी है, वहाँ पर मॉडिफाई टिकट का ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ जी, जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते ना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, बिकॉज हम इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं यूट्यूब से बेसिकली, क्योंकि यूट्यूब पे तो वीडियोस एक दो दिन बाद ही आती है, बट इंस्टाग्राम पे हम जो भी कुछ अपने दिन के अंदर करते हैं ना, वो साथ के साथ जब जो चीज़ अच्छी लगती है ना उसको हम डाल देते हैं, शेयर कर देते हैं। सो जो लोग इंस्टा पे फॉलो नहीं करते, इंस्टा पे फॉलो कर लेना, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और आज वाला व्लॉग स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा सा देर हो गए क्योंकि कुछ काम थे, वो काम निपटा रहे थे, उसके बाद मैंने सोचा पहले काम निपटा लेता हूँ उसके बाद फटाफट से आप लोगों के साथ बात करना स्टार्ट करेंगे। और देखो यार, आज वाले हमारे कपड़े कितने सही लग रहे हैं, रेड कलर के। वैसे देखो आज कोई 25 दिसंबर नहीं है, बट आज मेरा मन किया कि मैं ये वाले कपड़े पहनूं। और आज अपनी ना पगड़ी भी भाई साहब बहुत सही आई है, मेरे एक कबर्ड में से निकल गई, और ये भाई साहब अपनी बहुत ही फेवरेट वाली हुडी थी, बहुत टाइम के बाद पहनी है। एटलीस्ट मैंने कम से कम इस हुडी को ना 3-4 साल के बाद पहना है, सच्ची बता रहा हूँ। बट ये अपनी बहुत फेवरेट वाली और बहुत गर्म गर्म वाली हुडी है। ढूंढ कुछ और रहा था सुबह सुबह के टाइम पे ना, वैसे भी बहुत ज़्यादा वाली टेंशन रहती है, मतलब सुबह सुबह के टाइम पे ना बंदा बड़ा परेशान सा ही रहता है कि आज क्या पहनूं, आज क्या मैचिंग करूं, आज क्या पहनूं। बट भाई साहब कुछ ढूंढते ढांढते ये चीज़ हमारे हाथ में लग गई, और भाई साहब मज़ेदार वाले कपड़े निकल कर आ रहे हैं, एक बार ही बताना कैसे लग रहे हैं, ठीक है। बाकी चलते हैं आगे। भाई साहब ये डॉग देख रहे हो, डॉग चेक कर रहे हो, इसकी हाइट कितनी होगी वैसे? लगभग लगभग 2-2.5 फीट लंबाई है। हाइट लंबाई कितनी है सर? लंबाई हाइट लगभग 2.5 फीट। हाइट है 2.5 फीट और लंबाई 5 फीट होगी कम से कम, नहीं भाई शेर लग रहा है मेरे को ये, क्या मस्त डॉग है भाई साहब। हाँ जी, काटना नहीं है, काटना नहीं है भाई, खतरनाक है, भागना नहीं है भाई, दूसरे किसी के पास वो एक्चुअली जाता ही नहीं। आजा रवनीत के पास चले, आजा रवनीत के पास चले, आजा आजा रवनीत के पास चले, आजा 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 बहुत जबरदस्त है, अभी मेरे को खींच रहा है और मैं इसके साथ पूरा खींचता हुआ जा रहा हूँ, इसका फुल जान है इसके अंदर, वो देखो। सो ये कैनेडियन ब्रीड है, तू डर तो नहीं गई? मेरे को तो डॉग से वैसी फोबिया है। चलो आओ चलें, हम लोग एक्चुअली मैं यहाँ से निकल रहे थे, मेरी नज़र पड़ी इस करके मैं रुक गया, मैंने कहा एक दो फोटो वोटो खींचते हैं और इसको आज अपने व्लॉग में लेते हैं। हाँ जी, थैंक यू भैया। सो भाई साहब, थोड़े दिन पहले ना बहुत ही गंदे वाला पंगा हो गया था, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, बिकॉज इस टाइम पे ना मैं अपने सारे के सारे काम निपटा शिपटा के फ्री होकर वापस आ चुका हूँ, और मैंने सोचा कि चलो आपको बताता हूँ कि भैया अभी ना लास्ट वीक एक बहुत तगड़े वाला पंगा हो गया था। पंगा क्या हो गया था कि मैं जा रहा था घूमने फिरने के लिए मनाली, उसके लिए मैंने बस बुक करी थी, और बस जब मैंने बुक करी ना तो भैया कहते हैं कि फुल पेमेंट कर दो, मैंने उसको ऑनलाइन फुल पेमेंट कर दी। एंड मोमेंट पे भाई साहब मेरे मम्मी पापा का कोई सीन बन गया, उनका सीन ना खराब हो उसके चक्कर से मैंने अपना सीन पोस्टपोन करने का सोचा, और मैंने बस वाले भैया को ना रिक्वेस्ट करी कि भैया इस टिकट को ना प्लीज पोस्टपोन कर दो, या इसमें से कुछ पैसे वापस कर दो, मतलब कुछ भी करके एडजस्ट कर दो, प्लीज अपने इस भाई के ना पैसे वेस्ट मत होने दो। बट वो बोले भैया ने ना बिल्कुल भी नहीं माना, और उनके साथ ना भैया लड़ाई हो गई। वैसे ना यार बहुत पंगे वाला काम ही होता है, कभी हमने कहीं जाना होता है और अगर हम उसके लिए बस बुक कर देते हैं ऑनलाइन पे, पेमेंट भैया पूरी चली जाती है, बट वो ना ही बाद में कैंसिल होती है, ना ही वो पैसे रिफंड होते हैं, और ना ही डेट्स हम कहीं और पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो यार ये ना बहुत ही गंदी चीज है। एक बात बताओ मेरे को, हमने आपकी वेबसाइट चेक करी है, वहाँ पर मॉडिफाई टिकट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप कह रहे कि मैंने कहा हमने आपकी वेबसाइट चेक करी है, जो आपने एक लिंक दिया हुआ है ना, जो टिकट के साथ मिलता है ना, तो फिर हमने वो चेक करा, उस पर मॉडिफाई टिकट की ऑप्शन है, और आप हमें कह रहे हो कि हम बिल्कुल भी मॉडिफाई नहीं करवा सकते अपने टिकट। मैम कर लीजिए, सेम डे में मॉडिफाई हो जाता है ऑप्शन, तो मॉडिफाई हो जाएगा, तो
सेम डे में कैंसिलेशन नहीं होता है सर, सेम डे में कैंसिलेशन नहीं होता ना। मैंने एक घंटा पहले एक घंटे पहले ही आपकी कैंसिलेशन नहीं होता है। मैंने ना एक घंटे पहले ही बुकिंग करी है और एक घंटे के अंदर अंदर ही बोल रहा हूँ भाई। 12 बजे बुकिंग की आपने सर? हाँ, तो मैं 2 बजे से कॉल कर रहा हूँ आपको, 2 बजे से कॉल कर रहा हूँ। इसी ऑनलाइन भी चेक कर लीजिए आप, रेड बस ऐप वगैरह जो भी होता है ना सर वहाँ पे चेक। चलो कोई बात नहीं सर, जैसे भी है ना, मैं कह तो रहा हूँ देखो एक घंटे के अंदर अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ जाता। सिर्फ इतना ही होता है कि कंपनी वाले अगर कॉपरेट करना चाहे ना तो कॉपरेट करके ना डेट्स को शिफ्ट कर देते हैं या फिर 50% रिफंड कर देते हैं। बट आप लोग तो ना हर जगह पे अपना ही पैर ऊपर करके अपनी बात को मनवाने पे लगे हुए हो। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं यार, फिर हम ऐसे ही कर लेते हैं, फिर और क्या होता है फिर। सर आप मेरे को ये बताइए सर, कौन सी कंपनी करती है बस चलने से एक घंटे पहले कैंसिलेशन और शिफ्टिंग कर देती है सर? सर एक घंटे के अंदर अंदर ही सारी चीजें हुई हैं, कोई लंबी कहानी नहीं हुई है। मैं आपको 2 बजे से, 2 बजे अभी 4 बज रहे हैं ना, तो मैं आपको 2 बजे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई प्लीज मेरी सिर्फ डेट शिफ्ट कर दो, डेट शिफ्ट कर दो। और अब डेट शिफ्ट करने के अंदर भी आप कह रहे हो कि 1000 रुपए दोगे तभी हम डेट शिफ्ट करेंगे ना यार। सर मुझे ये बता दीजिए सर, कौन सी कंपनी है 2 बजे कॉल कर रहे हो, 4 बजे की बस चलने से 2 घंटे पहले शिफ्टिंग और कैंसिलेशन कर देती है, कौन सी कंपनी कर देती है सर, मुझे भी बता दीजिएगा सर। चलो कोई बात नहीं यार, मैं बता देंगे, ठीक है सर। ओके सर, जो भी कुछ कर सकूंगा ना वो तो करूंगा ही, साथ में आपको टैग करूंगा लक्ष्मी बस सर्विस को ना, ताकि और साथ में गूगल पे रिव्यू भी डालूंगा, गूगल पे रिव्यू भी डालूंगा, सारी चीजें करूंगा मैं। सर, इसके चक्कर से मैंने ना इस बारी का सोचा कि भैया मैं इस बारी वीकेंड पे बस पे कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपने लिए ट्रेन बुक करूंगा और हम ट्रेन पे बैठ के ना आराम से चुक 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 करते हुए ना वहाँ तक अपनी डेस्टिनी तक जाएंगे। बाकी आप लोग गेस करना कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, क्योंकि उसके आगे वाले जो ब्लॉग्स हैं ना भाई साहब बहुत ख़तरनाक और तबाही वाले होने वाले हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं बहुत ही सही जगह पे। इस जगह पर मैं पहली बार ही जा रहा हूँ, मेरे बहुत टाइम से मेरा मन था कि हमने यहाँ पर जाना है, बट अभी तक हम लोग ना जा नहीं पा रहे थे। बट भाई साहब फाइनली अब अपना प्रोग्राम सेट हो चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं अपनी मस्त वाली डेस्टिनी पे जहाँ पर हमको पहुँचना है। सो आगे आने वाले व्लॉग्स बहुत ही बढ़िया वाले बनने वाले हैं, और मेरे को पता आज वाला व्लॉग मेरा बहुत ही छोटा सा है, बाकी चलो हम इसको आज इतना सा ही रखते हैं। और नेक्स्ट वाले व्लॉग्स होंगे ना भाई साहब फुल ऑन वाले, तबाही वाले होने वाले हैं, क्योंकि हम बहुत अच्छी जगह पर जा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ही अच्छी जगह पर जा रहे हैं और ये जगह ना हर किसी ने एक्सप्लोर नहीं करी, वैसे बहुत सारे लोगों ने करी हुई है बट सब ने नहीं करी होती है। सो वहाँ पर भाई साहब बहुत मज़ा आएगा। और हम इसी के साथ अपनी आज वाली वीडियो यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरी आज वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करके जाना, कमेंट करके अपनी अटेंडेंस लगा लेना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, साथ के साथ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, बिकॉज इंस्टाग्राम पे पहले स्टोरीज आती हैं जी, यूट्यूब वीडियोज़ थोड़ा सा लेट आती हैं। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू टू ऑल, लव यू, बाय बाय।